दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। तिरुपति बालाजी मंदिर में क्यों करते हैं बालों का दान? दोस्तों अब तक आप लोगों ने केवल पुरुषों के मुंडन के बारे में सुना होगा, जहां घर में मृत्यु होने से लेकर मन्नत पूरी होने तक पुरुष ही मुंडन करवाते हैं। लेकिन दोस्तों एक जगह ऐसी भी है जहाँ महिलाएं भी मुंडन कराने से पीछे नहीं हटती, और वो जगह है आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां लाखों करोड़ों की संख्या में हर साल महिलाएं मुंडन करवाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर महिलाएं मुंडन क्यों करवाती है और उनके द्वारा मुंडन के बाल कहां जाते हैं और उनका क्या होता है? आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। लेकिन क्या आपको मालूम है ये भारत का सबसे धनवान मंदिर भी है। सनातन काल में 16 संस्कारों का क्रम रहा है, जो गर्भधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक जारी रहता है। इस क्रम में मुंडन संस्कार शिशु के जन्म के एक साल के अंदर ही करा दिया जाता है। इतना ही नहीं, हिंदुओं के बीच ये मान्यता है कि तिरुपति बालाजी में अगर कोई इच्छा मांगी जाए तो वो पूरी होती है, लेकिन अगर वो इच्छा पूरी हो जाए तो मुंडन करवाना होता है। अब पुरुषों के मुंडन करवाने पर तो बाल की लंबाई छोटी होती है और उन्हें ज्यादा लंबे बाल भी नहीं रखने होते, इसलिए उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो उनके लंबे लंबे बाल एक ही बार में उड़ जाते हैं। यही वजह है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में आकर महिलाएं बहुत सोच समझकर अपनी मांग भरती है। हालांकि कई महिलाएं तो ऐसी है जो भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए अपना सिर मुंडवा लेती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं अपनी मन्नत पूरी होने के बाद अपने लंबे बालों को भगवान के आगे अर्पण करती है। अब महिलाएं तो अपने इन लंबे बालों को कटवा लेती हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि ये लंबे लंबे बाल आखिर जाते कहां हैं? क्योंकि अगर व्यापार के नजरिए से देखा जाए तो ये बाल कूड़े में फेंकने वाले नहीं होते, बल्कि महिलाओं के इतने लंबे बालों का सौदा काफी महंगे में होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, आप लोगों ने कई बार ये चीज सुनी होगी कि पहले कई लोग बालों के बदले बर्तन आदि जैसी सामान देते हैं, और ये केवल पहले के समय में नहीं होता था बल्कि आज भी गांव देहातों में ये चीज देखने को मिलती है। ऐसे में ये जो बाल होते हैं इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जाता है, और तिरुपति बालाजी मंदिर में तो बालों का पूरा गट्ठर इकट्ठा हो जाता है, जिसे भेजकर ये लोग खूब मुनाफा कमाते हैं। महिलाओं के लिए जो बाल होते हैं वो काफी लंबे और खूबसूरत होते हैं, जिन्हें बीच में से काटा नहीं जाता बल्कि पूरा का पूरा ये निकाल दिया जाता है। और इसी में बालों का व्यापार करने वाले इन लोगों का सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि ये जो बाल होते हैं इनके अधिकतर नकली बाल यानी कि विग तैयार किए जाते हैं, जिन्हें बहुत ही अच्छे दामों में देश विदेशों में बेचा जाता है। हालांकि केवल अपनी मन्नत पूरी होने के बाद ही मुंडन नहीं करवाते, बल्कि ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति तिरुपति बालाजी मंदिर में आया है तो अगर वो यहाँ पर अपने पाप और बुराइयों को छोड़ जाता है तो उसके घर में शांति बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। परंतु यहाँ पर बुराइयों को अपने मन से निकाल देना ही काफी नहीं है। कहा जाता है कि लोग अपने बालों के रूप में अपने पाप और बुराइयों को यहाँ छोड़ कर जाते हैं। हालांकि इस तरह की बातें आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी, लेकिन अब तक ये सब कुछ केवल पुरुषों पर ही लागू होता था। लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में पुरुष और महिला में कोई फर्क नहीं किया जाता है। अगर महिला अपने सारे पाप और बुरे कर्मों को यहाँ छोड़ना चाहती है तो अपने बाल मुंडवा सकती है, या फिर कोई महिला अपनी मन्नत पूरी होने की खुशी में बाल मुंडवाने जाती है तो उसका भी तहे दिल से स्वागत किया जाता है और उसके लंबे चौड़े बालों को एक झटके में उड़ा दिया जाता है। बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए जो बाल होते हैं ये मंदिर के हिस्से में जाते हैं, जिन्हें बेचकर मंदिरों को करोड़ों का फायदा होता है। यही वजह है कि भारत का सबसे अमीर मंदिर है, जहाँ न केवल लोग सोने चांदी और पैसों का दान करते हैं बल्कि अपने बालों का भी दान करते हैं। ये बहुत ही भारी कीमत में बिकते हैं, सैकड़ों किलो इकट्ठा होते हैं ये। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, तिरुपति बालाजी के मंदिर के अंदर करीब 5 ट्रक भरकर हर रोज के तौर पर हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खरीद लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आखिर इतने सारे बालों का करता है क्या? क्योंकि बालों से विक तैयार होना तो बहुत नॉर्मल बात है और इसका व्यापार भी काफी लंबा चौड़ा चलता है। लेकिन इसके अलावा भी दान किए गए बालों का कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक
वर्धा के महात्मा गांधी विज्ञान संस्थान ने शोध करके कटे हुए बालों से अमीनो एसिड बनाकर तैयार किया। परिवहन मंत्री ने उस एसिड को अपने खेतों में इस्तेमाल किया, जिसका उन्हें बहुत ही बड़ा फायदा देखने को मिला। और इसी के जरिए नितिन गडकरी ने किसानों की मदद करने की सोची, जिसके बाद कटे हुए बालों से अमीनो एसिड बनाने वाली एक यूनिट अपने गांव में लगाई, जिससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। नितिन गडकरी का खुद ये कहना है कि प्लांट में कटे हुए बालों से तैयार अमीनो एसिड की एक बोतल की कीमत करीब 900 रुपए होती है, जिसे मात्र 300 रुपए में बेचते हैं। दुबई सरकार से भी इसके लिए 180 कंटेनर का ऑर्डर मिला है, जिसमें सभी के सभी कंटेनर भेजे भी जा चुके हैं। कटे हुए बालों से तैयार अमीनो एसिड से करीब 12 से 15 करोड़ का फायदा मिल रहा है, जबकि इसे लागत की कीमत पर ही बेचा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर को सिर्फ बालों के दान और उससे होने वाले मुनाफे के लिए सबसे धनवान मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर निकलने वाले बाल एक तरह से देखे जाए तो सोने से कम नहीं है। जिनकी कीमत तो ज्यादा है ही, साथ ही साथ वो कई जगहों पर इस्तेमाल भी होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारतीय बालों की कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारतीयों के बाल बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, जिसमें किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए हम भारतीयों के बाल बहुत ही महंगे में बिकते हैं और इनका अलग अलग तरह की चीजों में इस्तेमाल होता है। विग खरीदने वाले ज्यादातर लोग भारतीयों के बालों को ही खरीदना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये था तिरुपति बालाजी मंदिर में होने वाले बालों के दान का पूरा रहस्य, जिसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब का बटन दबा देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।